मदीने में यहूदी लड़की की शादी और बड़े धूमधाम से शादी हो रही है। सारे यहूदी औरतों को बुलाया गया, खाने पीने का इंतज़ाम भी किया गया। अचानक उन औरतों ने एक मशवरा किया और जिस यहूदी लड़की की शादी हो रही थी उससे कहा कि तू भी उठ और हम लोग भी चलते हैं, हम फातिमा के घर पर जाते हैं। और फातिमा को दावत देते हैं कि तुम भी शादी में आओ, और जब फातिमा शादी में आएगी तो हमारे कपड़े तो चमकते धमकते रहेंगे, और जब फातिमा आएगी तो उसके पुराने फटे चिप्पी रेवन लगे हुए कपड़े होंगे, तो फिर हम छेड़ेंगे और फातिमा को कहेंगे जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है, तेरा ख़ानदान भी गरीब है, तो ऐसे गरीब ख़ानदान में आने की क्या ज़रूरत है। इस तरह से फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सताने की खतरनाक प्लानिंग की गई। उसके बाद यह यहूदी लड़की उठी और उसके साथ दूसरी औरतें भी चली। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर पहुँचे। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में आटे का काम कर रही थी, चक्की पीसने का काम कर रही। इतने में आकर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का छोटा सा झोपड़ा पूरा घेर लिया और बहुत तारीफ़ की, कहा तू तो मोहम्मद की बेटी है, तू तो नबी की बेटी है, तू तो इतने बड़े शख्स की बेटी, और शख्स बड़ा होगा तो बेटी भी बड़ी होगी, तुझे तो शादी में आना ही पड़ेगा। और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बार बार कहती रही कि नहीं, मुझे मत कहो, मैं नहीं आऊँगी, मैं दुआ देती हूँ अल्लाह मियाँ बीवी में खूब बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, लेकिन मुझे मत बुलाओ। औरतों ने बहुत ज़बरदस्ती की, क्योंकि इनको तो मजाक उड़ानी थी, इसलिए बहुत ज़बरदस्ती की। बेचारी फातिमा करती तो क्या करती, कहा तुम जाओ मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। पूरे वाक्य के लिए आगे देखिए वीडियो को, लाइक एंड सब्सक्राइब।